ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। शिवा को भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ना, देखना और सुनना बहुत पसंद था। इस शौक को उसने अपने दूसरे शौक घूमने फिरने के साथ में जोड़ दिया था। जिस किसी भी गांव शहर के बारे में कुछ भी सुनता तो बस वहीं घूमने निकल पड़ता। इस बार पुणे की बारी थी। किसी से सुना था कि वहां किसी बॉयज हॉस्टल के पास एक पुराना मकान है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा है और वहां एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है बीवेयर ऑफ डॉग्स एंड घोस्ट्स। रिजर्वेशन करवा के शिवा तुरंत निकल पड़ा पुणे के लिए और उसका एडवेंचर और एक्साइटमेंट तब दुगना हो गया जब लेट होकर उसकी ट्रेन पुणे स्टेशन पे शाम 8 बजे की जगह रात तकरीबन 1 बजे पहुंची। एक ऑटो रिक्शा की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी और वो धीरे धीरे आता आता ठीक उसके सामने आकर रुका। शिवा उसी ऑटो में बैठ के निकल पड़ा और जानबूझकर रात के वक्त उसी बॉयज हॉस्टल के पास के जंगल के पास से पूरा एक बड़ा सा चक्कर मार के गुजरा, लेकिन शिवा को कोई बोर्ड या आदमी उस जगह पर नहीं दिखाई दिया। शिवा सीधे वहां से होटल चला गया। रिसेप्शन पर चेक इन करके कमरे में जाने को लिफ्ट की तरफ जाते जाते उसके कदम रुक गए और उसने पलट के रिसेप्शन पर बैठे लड़के से पूछा, यहां एक बॉयज हॉस्टल के पास पुराने मकान के बारे में मैंने बहुत सुना है, जहां एक बोर्ड लगा था ना बीवेयर ऑफ डॉग्स एंड घोस्ट्स, मैं उधर से ही आया लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया मुझे। इस सवाल के जवाब में होटल के रिसेप्शन पर बैठा वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, यहां रात के अंधेरे में बहुत कुछ दिखता छुपता है, जाइए आराम कीजिए, थक गए होंगे, सुबह बात करेंगे। शिवा सचमुच में यहां आने और उस बोर्ड वाले मकान को देखने की एक्साइटमेंट में अपनी थकान को नजरअंदाज कर गया था। सीधे कमरे की तरफ ही बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खोला तो देखा बेहद खूबसूरत लग्जूरियस कमरा था। हाथ मुंह धोकर उसने खिड़की खोली तो सर्द हवा का एक झोंका शोर करता हुआ कमरे को ठंडा कर गया और फिर देखा कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। शिवा ने खिड़की बंद कर दी और आकर बिस्तर पर लेट गया और हेडफोन लगा के फोन पे सेव की हुई हॉरर कहानियां सुनने लगा। तो उठ के सोने के लिए बेड पे लेटा और तुरंत ही उसे नींद आ गई। पवन अभी सोया ही था कि उसका बेड ऐसे हिलने लगा जैसे कि यह हॉस्टल का बेड ना हो बल्कि ट्रेन की बर्थ हो। कहानी सुनते सुनते शिवा को अचानक एहसास हुआ कि जैसे कहानी में जो पलंग के हिलने की आवाज उसके हेडफोन में हो रही थी बिल्कुल वैसी ही आवाज इस वक्त उसका पलंग भी कर रहा था। शिवा एक झटके से पलंग से उछलकर नीचे कूदा और हेडफोन निकाल के गौर से देखा तो पलंग बिल्कुल ठीक था। शिवा खुद पे ही हंसा कि थकान के मारे कहानी भी सच जैसी महसूस हो रही है। हेडफोन निकालकर अब शिवा सीधे सोने के लिए लेट गया। आधी थकान की और आधी नींद की बेहोशी में ही शिवा ने साफ साफ महसूस किया
कि उसका पलंग बहुत तेजी से हिल रहा है और पलंग के बगल में टेबल पर रखे पानी का ग्लास हिला और गिर के टूट गया। और इस आवाज से शिवा की नींद पूरी तरह टूट गई। शिवा ने पलट के देखा तो ग्लास वहां वैसे का वैसा रखा हुआ था और पलंग बिल्कुल शांत था। शिवा ने आंखें मली और सोचा चेहरे पर पानी के कुछ छींटे मार लेगा तो शायद नींद बेहतर आएगी। बाथरूम में जाके उसने मुंह धोया और तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाथरूम के बाहर उसने पहला कदम रखा ही था। कि दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसके पैर में एक बड़ा सा टूटे हुए कांच का टुकड़ा गड़ गया था। नजर उठाकर बिस्तर के पास वाले टेबल पर देखा तो पानी का ग्लास वहां नहीं था। नीचे फर्श पर फैले पानी में पैर से टपकते खून की बूंदों से फर्श पर फैला पानी धीरे धीरे लाल हो रहा था। शिवा हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ रखता था। शिवा ने पैर में चुभा कांच निकाला। और जख्म पे मरहम लगा ही रहा था जब ठंडी हवाओं से महसूस हुई और तेज हवाओं की आवाज भी सुनाई दी। लंगड़ाता हुआ शिवा आगे बढ़ा और खिड़की बंद करने को हुआ तो खिड़की से नीचे उसने देखा एक आदमी हाथ में एक बोर्ड लिए उस तेज हवा में खड़ा मुस्कुराता हुआ खिड़की से शिवा की तरफ देख रहा था और हवा में हिलते और खड़खड़ाते उस बोर्ड पर लिखा था वी वेयर ऑफ डॉग्स एंड घोस्ट। उस बोर्ड की हवा से खड़खड़ाने की आवाज बढ़ती गई और इतनी तेज हुई कि शिवा की नींद टूटी। तो उसने देखा कि वो इस वक्त भी ट्रेन में ही है और अब उसकी ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंची है। ट्रेन अभी पुणे बस पहुंची ही थी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। स्टेशन से बाहर निकला तो एक ऑटो दूर से आकर रुका। शिवा उस ऑटो को लेकर सीधा होटल गया। रिसेप्शन पर खड़े लड़के को देखकर शिवा को पहला झटका लगा। ये वही लड़का था जिसको उसने अपने सपने में भी रिसेप्शन पर ही देखा था। चाबी लेकर खोया खोया सा शिवा लिफ्ट की तरफ जाते जाते बस यूं ही पलटा तो मुस्कुराता हुआ वो लड़का बोल पड़ा, यहां रात के अंधेरे में बहुत कुछ दिखता छुपता है, जाइए आराम कीजिए, थक गए होंगे, सुबह बात करेंगे। शिवा पलट के चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने को लिफ्ट के अंदर चला गया। रूम पे पहुंचा तो देखा कमरा बिल्कुल
बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। कमरे में पहुंचते ही तुरंत उसने सब कुछ चेक किया। जब सब कुछ ठीक लगा तो उसने एक टावल लेकर उसमें सारे कांच के ग्लास लपेटे और उसके बाद अलमारी में उस टावल को रख दिया और चादर दीवार के पास जमीन पर बिछा दी और दीवार के सहारे चुपचाप वो जमीन पर ही बैठ गया। वहां बैठने के थोड़ी देर बाद तक शिवा चुपचाप उस कमरे में बैठकर वहां की शांति को महसूस कर रहा था और उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और सोने से पहले हर दिन की तरह एक कहानी सुनने लगा। किसी भी हालत में आपके सामने आकर आपसे हेल्प मांग सकता है, पर आप उसकी हेल्प के लिए अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। कहानी सुनते सुनते शिवा को लगा जैसे कोई उसके दरवाजे को खटखटा रहा है। शिवा ने तुरंत अपने कान से हेडफोन निकाला। उसे यकीन हो चला था कि यह दस्तक उसके दरवाजे पर ही है। शिवा जैसे जानता था कि ऐसा कोई इत्तफाक होने वाला है, क्योंकि सपने में कहानी में पलंग हिलने की आवाज के साथ साथ सचमुच पलंग हिला था। उठकर शिवा डरता हुआ दरवाजे के पास जाकर बोला, कौन है? उधर से आवाज आई, रूम सर्विस सर। शिवा की अटकी हुई सांस छूटी और उसने दरवाजा खोला तो सामने एक रूम सर्विस का लड़का हाथ में रूम के लिए पानी की बॉटल्स, टूथब्रश, पेस्ट और साबुन लिए खड़ा था। वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए ट्रे के साथ अंदर आया और सारा सामान एक एक करके रखने लगा और जाने से पहले गुड नाइट बोलकर निकलने को हुआ तो दरवाजे के पास रुक के पलटा और मुस्कुराकर उसने, सर कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। उसका इतना कहना था कि कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। अलमारी के पलड़े जोर से अपने आप खुले और कांच के दोनों ग्लास खुद ब खुद उड़कर सामने की दीवार से टकरा के चूर चूर होकर बिखर गए। तो शिवा उठकर भागा कमरे से बाहर और सीढ़ियों से उतर के बाहर की ओर भागा। रिसेप्शन वाला लड़का अपनी जगह पे ही मुस्कुराता हुआ बैठा बैठा ही बोला, यहां रात के अंधेरे में बहुत कुछ दिखता छुपता है। शिवा पूरी जान लगा के और तेजी से वहां से भागा। भाग के 20 कदम होटल से आगे गया होगा कि अचानक 3-4 कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए दौड़ने लगे। शिवा के पास बचने का कोई रास्ता था तो सिर्फ एक, कहीं से कोई मजबूत डंडा या पत्थर उठाकर कुत्तों को भगाए, क्योंकि कुत्तों से बहुत देर और बहुत दूर तक भाग नहीं सकता था वो। शिवा अंधाधुंध भागते हुए होटल के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा जहां उसने सपने में अपनी खिड़की से उसे एक अजनबी आदमी को बोर्ड पकड़े खड़ा देखा था। वहां पहुंचकर शिवा सांस लेने को रुका तो पीछे से अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज भी बंद हो गई। शिवा ने सर उठाया और अपनी खिड़की की तरफ देखा तो शिवा को एक बार फिर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि वो सो रहा था या जाग रहा था, क्योंकि उसकी खिड़की पर वही आदमी जिसे उसने सपने में देखा था
वही बोर्ड पकड़े खड़ा था। शिवा की आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और उसके बाद सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वो बोर्ड जिसको वो ढूंढते हुए यहां आया था वो वहीं उसके बगल में लगा हुआ था। एक आलीशान होटल की जगह एक टूटा फूटा बंगलो था और शिवा का सारा सामान वहीं पास में जमीन पर पड़ा था। उसने अपने बैग को कंधे पर उठाया और देखा सामने से शायद वहां उस प्रॉपर्टी का चौकीदार आ रहा था और उसने खुद ही शिवा से कहा, कौन हैं आप, यहां अंदर कैसे आ गए? शिवा ने उसे बताया कि वो बोर्ड के बारे में सुनकर यहां आया था। देर रात एक होटल में उसने चेक इन किया था पर वो जागा तो यहां इस बंगलो के पास था। तो उस चौकीदार ने बताया कि ये बंगलो एक जमाने में बहुत बड़े घर की प्रॉपर्टी थी। उस घर में सब कुछ ठीक था लेकिन उनकी फैमिली में एक चाचा जी थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे। एक हाथ नहीं था उनका और हमेशा अपनी कहानियां सुनाया करते थे लेकिन कोई भी उनके पास 5 मिनट से ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता था। हर कोई उन्हें देखते ही रास्ता बदल लेता। उनकी तबीयत जब बहुत बुरी तरह अचानक बिगड़ गई तो किसी ने भी उनका ख्याल नहीं रखा और उनके अपने बंद कमरे में ही पानी को बस तरसते हुए मौत हो गई। वो पूरी जिंदगी सिर्फ थोड़े प्यार और थोड़े से वक्त के जरूरतमंद थे। चौकीदार ने आगे बताया कि उनकी मौत के बाद कुछ ही दिनों में इस घर के सारे लोगों की मौत हो गई, कोई वारिस नहीं बचा यहां का। शिवा ने उस चौकीदार से उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, नाम जान के क्या करोगे बेटा, प्यार से चाचा ही कहोगे तो चलेगा। उनके इतना कहते के साथ ही अचानक शिवा के पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। शिवा पलटा तो देखा एक भी कुत्ता वहां नहीं था और वापस जब चाचा की तरफ पलटा तो चाचा भी वहां नहीं थे।